तो फिर जो है बातें काफी सारी होंगी, उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से स्मॉल बिजनेस, अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आपको मिलती रहेंगी, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके आप जरूर रख लीजिए। तो फिर जो है सबसे पहला सवाल कि हमें मशीन लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि आप जानते होंगे मार्केट में काफी सारे अलग अलग प्रोडक्ट हैं, और अगर हमारा नया बिजनेस है तो वो बिजनेस हमारे प्रोडक्ट के दम पर ही चलता है। मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा होगी, प्रोडक्ट अच्छा होगा तो बेसिकली हमारा बिजनेस जो है आगे बढ़ेगा, लोग पसंद करेंगे, लोग उस प्रोडक्ट को यूज करना चाहेंगे। तो अच्छा प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए चीजों में जो है हमें एज अ क्वालिटीज प्रीफर करनी पड़ती है। और क्वालिटी कैसे प्रीफर होगी, ये चीजें दो तरीके से हो सकती हैं, या तो आप जो है मशीन लेकर अपने तरीके से, अपने बेसिक शेड्यूल के हिसाब से, अपने बेसिक रेशियो के हिसाब से, या फिर जिस प्रोडक्ट को आप बना रहे हो उसमें क्वालिटीज को अच्छे तरीके से मेंटेन करके उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है, जो मार्केट में रूलर रॉ मटेरियल्स बनाने वाली लोग जो होते हैं उनसे आप चीजें खरीद के अपने प्रोडक्ट में एज अ यूज कर सकते हो। कंडीशन दूसरे में क्या हो जाता है, आपने किसी थर्ड पार्टी के थ्रू उस मटेरियल को खरीद कर अपने प्रोडक्ट के लिए उसे तैयार किया और मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचना आपने चाहा। तो दूसरे कंडीशन में चीजें क्या हो जाती है, फर्स्ट कंडीशन में चीजें आपके पास पूरी कंप्लीटली 100% आपके पास है, आपके पास मशीन है, रॉ मटेरियल्स है, और उसके बनाने का तरीका आपके पास है, उसके क्वालिटी मेंटेन करने का तरीका आपके पास है, तो जैसा आप चाहोगे वैसा आपका प्रोडक्ट बनेगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या हो जाता है, आपके पास चीजें नहीं है, आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जुड़े हुए हैं, और वो थर्ड पार्टी किस तरीके से चीजें बना रही है, क्या बना रही है, कैसे बना रही है, उसका जो है अनुभव आपको नहीं रहेगा। आपने बस बात की, डील किया और वहां से आपका माल आया। उसको सपोज मैं बात करूंगा एक एग्जांपल, रॉ अगरबत्ती, जो कि काफी सारे लोग जो है इसका प्रोडक्शन नहीं करते, और प्रोडक्शन नहीं करते और रॉ अगरबत्ती, रेडी रॉ अगरबत्ती खरीद के इसे परफ्यूमिंग का, पैकेजिंग का प्रोसेस करके मार्केट में डालते हैं। कई कई ऐसे लोग हैं जो कि सेंटेड भी नहीं करते, सेंटेड अगरबत्ती लेके आते हैं, पैकिंग जो है पैकेट कुछ जीपर्स में इस तरीके की पाउचेस जीपर्स में वो पैकिंग करते हैं और मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। यहाँ पे होता क्या है, कुछ दिनों तक तो आपकी प्रोडक्ट अच्छे से चलेंगी, बाय द वे किसी भी तरीके से आपने प्रोडक्ट बनाने के लिए काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट किए, प्लानिंग किया, और अपने रॉ अगरबत्ती लेके पैकिंग करके भी उसमें भी प्लानिंग करके आप काम करेंगे, खर्चा तो दोनों में लगेगा, रॉ अगरबत्ती खरीदोगे वहां भी खर्चा देना पड़ेगा, और बाय द वे प्रोडक्ट अपने तरीके से आप बनाओगे तो उसमें भी खर्चे लगेंगे। बट रॉ अगरबत्ती के केस में क्या होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट कम लगती है, और दूसरी इसकी वजह मैं बताता हूँ। आज ही रिसेंट टाइम में, आज के जस्ट एक घंटे पहले की मैं बात बता रहा हूँ, एक कस्टमर का कंप्लेन था कि सर काफ़ी सारी जगहों से हमने रॉ अगरबत्ती खरीदी बट वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही, जिसके वजह से हमारा मार्केट खराब हो जा रहा है। तो मैंने ये पूछा कि ऐसा क्यों, तो आपने कभी भी अपने तरीके से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश क्यों नहीं की, तो उनका कहना भी यही था कि स्टार्टिंग में जो रॉ अगरबत्ती आती थी वो अच्छी आती थी, धीरे धीरे उन्होंने क्वालिटी खराब करते गए और उस तरीके से मेरा ब्रांड पूरी तरीके से खराब हो गया। सो फिर जो है यही प्रॉब्लम्स सामने निकल कर आती हैं कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जुड़कर काम करते हैं, और किसी भी तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे थर्ड पार्टीज जो है अच्छे नहीं होते या फिर सारे थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट खराब होते हैं, उसमें से कुछ अच्छे भी रहेंगे और जो है कुछ जेन्युइन प्रोडक्ट हमेशा अपने कस्टमर के काम को समझते हुए प्रोडक्ट में बिल्कुल ध्यान दे के काम करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये प्रोसेस हो जाती है और हमें खराब प्रोडक्ट निकल जाता है, और एज अ मार्केट में भी हमको प्रॉब्लम्स होती हैं, और कहीं ना कहीं हमारा मार्केट जो है खराब होने के कगार में आ जाता है। तो
बात ये निकल कर आती है, बाय द वे आपके पास मशीन होती, आप चीज़ों को समझकर अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपने ब्रांड के हिसाब से, अपने मार्केट के हिसाब से, अपने कस्टमर्स के हिसाब से अगर रेडी करते तो ये जो आज की परेशानियां हैं कि हमारा मार्केट ख़राब हो गया, हमारा लॉस हो गया और काफ़ी सारे बातें जो कि बिजनेस बंद करने के कगार तक भी आ जाती हैं, इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। कहती हैं कि चलो ठीक है, अगर हमें एक अच्छा प्रोसेस करना है, एक अच्छा वर्क करना है और अपने ब्रांड को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है तो फिर हम ये सोचेंगे कि कहीं ना कहीं हमें मशीन लेना जो है ज़रूरी पड़ जाता है। और इसके लिए मशीनरी से रिलेटेड किसी भी तरीके से कोई भी आपकी इंक्वायरीज हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगरबत्ती की जेन्युइन मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन आपको मिलेंगी और इसके बेसिक स्पेसिफिकेशंस आप व्हाट्सअप नंबर के थ्रू मैसेज करके भी आप ले सकते हैं। मशीन जेन्युइन होगी, 100% बैक सपोर्ट मिलेगा, एक बेसिक प्राइस में जो है आपको मशीन मिलेगी और किसी भी तरीके से आपके साथ स्कैम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।